रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। हाय गाइस, वेलकम बैक माय चैनल विनीता मौर्य अपनी रसोई। आज मैं आपके साथ मलाई से घी बनाने की रेसिपी को शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए हम शुरू करते हैं घी को बनाना। मलाई से घी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 1 kg दूध की फ्रेश मलाई ले रखी है। ये पूरे 10 दिन के दूध से मैंने 1 kg मलाई इकट्ठा की है। मलाई बनाने के लिए दूध को आप अच्छे से गर्म कीजिए, उसे ठंडा करके फ्रिज में रखिए। उसमें मोटी सी मलाई पड़ेगी, उसे आप स्पून की हेल्प से या हाथों की हेल्प से निकाल कर इकट्ठा करके रख सकते हैं। गर्मियों के समय में आप इसे फ्रिज में रखिएगा मलाई को, नहीं तो इसमें फंगस लग जाएंगे। ठंडियों में आप इसे बाहर भी रख सकते हैं। हम ये ग्राइंडर जार लेंगे और इसमें मलाई को ट्रांसफ़र कर लेंगे। अगर आप मलाई को तुरंत फ्रीज से निकाल रहे हैं तो जिस बर्तन में मलाई है उसे आप 1-2 सेकेंड तक गैस पे गरम कर लीजिए, इससे मलाई आसानी से निकल आएगी। मैंने मलाई को 1 घंटा पहले ही निकाल कर रख दिया था, ये रूम टेम्परेचर पर आ चुकी है। अब हम मलाई को इस ग्राइंडर में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। हम एक बार में पूरी मलाई को नहीं फेंटेंगे, हम थोड़ा थोड़ा करके फेंटेंगे। मलाई को देखिए मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। अगर आप सर्दियों के मौसम में बना रहे हैं घी को तो आप इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी डालेंगे, और अगर आप गर्मियों में बना रहे हैं तो आप इसमें ठंडे पानी का यूज करेंगे घी बनाने के लिए। अब इसको हम फेंट लेंगे। मलाई को देखिए मैंने बहुत अच्छे से फेंट लिया है और इसमें देखिए मक्खन अलग हो गया है और पानी और जो दूध था इसमें एक्स्ट्रा वो भी अलग हो गया है। अब मैं इसे कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। हम ये कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में हम इस मक्खन को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे इस तरह से। देखिए इसी तरह से हम अपनी बाकी की मलाई को भी फेंट लेंगे। ये हमारा 1 kg मलाई से इतना सारा देखिए मक्खन निकला है। इसमें कुछ मुझे एक्स्ट्रा दूध जैसा दिख रहा है, ये जो हमने पानी डाला था फेंटते समय ये वही पानी है। इसको हम छन्नी की हेल्प से निथार देंगे ताकि हमें घी बनाने में आसानी हो। इस तरह से देखिए हम छन्नी लेंगे और इसको देखिए हम इस तरह से जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है इसको हम निकाल देंगे। इसको हम हाथों से दबाते हुए हम सारा पानी हम इसमें से निकाल देंगे। इसी तरह हम हाथों से दबाते हुए हम सारा जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है उसको हम निकाल देंगे और छन्नी से हम छान लेंगे। मलाई को देखिए मैंने 2 कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया है, क्योंकि मलाई हमारी बहुत ज़्यादा थी। इसे पकाने में मुझे 1 कढ़ाई में प्रॉब्लम होती, इसलिए मैंने इसे 2 कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम घी बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई को मैंने गैस पर रख दिया है और गैस की फ्लेम को मैंने अभी हाई पर रखा है, और मक्खन देखिए हमारा मेल्ट होना शुरू हो गया है। गैस की फ्लेम को भी हम हाई पे रखेंगे जब तक मक्खन हमारा मेल्ट नहीं हो जाता है। मक्खन देखिए हमारा मेल्ट हो चुका है बहुत अच्छे से, और इस स्टेज पर इसका हमें विशेष ध्यान रखना है कि हमें इसे बराबर चलाते रहना है, नहीं तो ये तले में पकड़ लेगा। और गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम पे रखा है और इसको हम बराबर चलाते रहेंगे इस तरह से। और ये देखिए दूसरी कढ़ाई में भी मक्खन मेल्ट हो चुका है, इसको भी हम बराबर चलाते रहेंगे इस तरह से। इसे हमें मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है, इसे हम हाई फ्लेम पर नहीं पकाएंगे, नहीं तो इसमें उबाल आएगा और ये कढ़ाई से मलाई बाहर गिर जाएगी। ये देखिए हमारा दोनों कढ़ाई में मलाई अच्छे से पक रही है, और ये देखिए हमारा काफ़ी हद तक ये मलाई पक चुकी है और घी इसमें से देखिए अलग होना शुरू हो गया है। और ये जो ऊपर झाग जैसा दिख रहा है ये अभी अलग होकर नीचे बैठ जाएगा और घी हमारा अलग हो जाएगा। घी हमारा देखिए पक चुका है और देखिए इसमें मलाई जो है नीचे बैठ गई है और घी अलग हो गया है, और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है घी की। अब घी को हम छन्नी की हेल्प से छानकर अलग कर लेते हैं। इसे छानने के लिए हम प्लास्टिक की छन्नी का यूज नहीं करेंगे, नहीं तो घी की गर्मी से छन्नी हमारी पिघल जाएगी। हम लोहे की छन्नी का यूज करेंगे। देखिए घी को मैंने छान लिया है, इसी तरह से जो दूसरी कढ़ाई में घी है उसको भी हम छान लेंगे। दूसरी कढ़ाई के घी को भी मैंने छानकर अलग कर लिया है, और ये हमारा 1 kg मलाई से इतना सारा घी निकला है। इसे हम एक स्टील के डिब्बे में या फिर किसी कांच के जार में भरकर रख लेंगे और अपनी आवश्यकता अनुसार इसको हम यूज करेंगे। और ये जो मलाई निकली है
इसको हम फेंकेंगे नहीं। इसमें आप गुड़ या चीनी मिलाकर आप इसे रोटी पराठे के साथ में खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। कलाई से घी बनाने का ये ट्रिक अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। मैं फिर से मिलती हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।